हमारे साथ अब शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन जी भी, उनसे समझते हैं कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर। संजीव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एटीनाउ स्वदेश पर। 17,130 यानी कि 17,100 के पार इस वक्त निफ्टी का आंकड़ा नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी के तो 12 के 12 शेयर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, साइंस पॉजिटिविटी के हैं, कहाँ पर है आपकी नज़र, कौन से स्टॉक आइडियाज लेकर आए हैं आप? हाँ गुड आफ्टरनून मानसी जी, पहले अपडेट दे दूं, 38,900 पे आपको कहा था, 40,500 जाएगा, 40,500 और उस समय बहुत ज्यादा बेरिशनेस थी। अब देखिए दो दिन में ही कंप्लीट हो गया है, इट इज 40,100, 41,000 की तैयारी कर लो बैंक निफ्टी की। बैंक आर द बिगेस्ट गेनर्स एज मोर कैपिटल कम्स इन एंड देर इज इनफ बफर बिकॉज ऑफ दिस केओस बाय अदर बैंक, और इंडियन बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपको अपडेट दे दूं, कोटक बैंक आपको दो तीन दिन से कह रहा हूं, कोटक बैंक जब निफ्टी 41,700 पे था तो 1720 का भाव था, और अब जब 40,000 पे 1715, तो आप 41,700 अगर जाएगा तो कोटक 1800 जाएगा, 1800 रुपए लिख के ले लेना। दूसरा मेरा दो तीन दिन से आपको कह रहा था वी कॉन्ट्रेरियन एंड बाय रिलायंस, मौका नहीं मिलेगा, आज की सारी रैली रिलायंस की वजह से है, 2330-2340 का टारगेट की तैयारी कर लीजिए। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी संजीव जी बताइए। सबसे पहले लीजिए डीएलएफ, जो सबसे बढ़िया स्टॉक रहा है इन द लास्ट वन वीक केओस हैज बीन डीएलएफ। ये 8,000 करोड़ की सेल हुई है, वो कह रहे हैं इस साल 15,000 करोड़, इट्स अ रिकॉर्ड इन द कंपनीज बुक्स, 15,000 करोड़ की सेल होगी, यू कैन नॉट बिलीव, एंड दे आर सेलिंग प्रीमियम हाउसेज, मिनिमम 6 करोड़ की सेल है इन ऊपर हुआ है। तो डीएलएफ इज अ नो ब्रेनर, 365 और 67 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 350। मुझे डीएलएफ लीड करते हुए दिखता है, 400 का टारगेट दिखता है इस एक्सपायरी पे डीएलएफ का। दूसरा मेरा फेवरेट शेयर पीएनबी, द बेस्ट पीएसयू टू बी बॉट एट दिस प्राइस, 1/3 प्राइस टू बुक, एंड द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो 47-47.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 46, टारगेट ऑफ 53 फर्स्ट एंड देन 55। क्या कोटक बैंक और रिलायंस पर अपडेट और डीएलएफ और पंजाब नेशनल बैंक फ्रेश कॉल संजीव जी की तरफ से आती हुई। संजीव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बात तो सही कही आपने, रिलायंस जो है लीड कर रहा है उस वक्त बाजार को, सबसे ज्यादा सपोर्ट वहीं से मिल रहा है, अच्छे रिपोर्ट्स, और इनफैक्ट डीएलएफ में भी हमने पिछले दिनों काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आउटफ्लोज देखे हैं। लेकिन केमिकल प्लेस पर राजेश जी आज सुबह हमने विस्तार से बातचीत भी की और केमिकल सेक्टर के लिए काफी सारे पॉजिटिव्स हैं, चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन को तो सेलिब्रेट किया ही जा रहा था, लेकिन अब केपेक्स अनाउंसमेंट